अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर नामुल अजरी और मैं अपने इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपको आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड पढ़ाऊंगा। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड क्या होते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं। तो जब हम पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो हमें किसी एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप पर प्रीफर करना होता है नंबरिंग में। तो हमको एक चार्ट जो है वो इसके लिए दरकार होता है जिसका नाम है नॉर्मन क्लेचर पीरियोडी चार्ट, एनपीसी। एनपीसी में जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर होता है उसको नीचे वाले फंक्शनल ग्रुप पर प्रीफर करते हैं। मिसाल के तौर पर इस नॉमेनक्लेचर पीरियोडिक चार्ट में सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, फिर उसके बाद सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, फिर उसके बाद एल्डिहाइडिक ग्रुप है और फिर उसके बाद कीटो ग्रुप है एंड सो ऑन। तो अब मिसाल के तौर पर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी हो और एल्डिहाइड ग्रुप भी हो तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को नंबरिंग में प्रीफर करेंगे और इसको लोएस्ट नंबर देंगे। तो आइए पहली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस कंपाउंड को गौर से देखिए, इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं। एक फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड की फॉर्म में है और एक फंक्शनल ग्रुप ओएच ग्रुप की फॉर्म में है। सबसे पहले हम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करेंगे और उसको बॉक्स में डाल देंगे। ये कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। डबल बॉन्ड हमेशा चेन के अंदर होता है, बॉक्स के अंदर होता है, जबकि ओएच ग्रुप चेन के बाहर होता है। अब अगर हम कंपैरेटिव नंबरिंग करें तो यहां से डबल बॉन्ड को वन नंबर असाइन हो रहा है और यहां से ओएच ग्रुप को वन नंबर असाइन हो रहा है। तो दोनों तरफ से फंक्शन ग्रुप को सेम नंबर मिल रहा है। तो अब हमें यह देखना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यानी डबल बॉन्ड और ओएच ग्रुप यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप एनपीसी या एनपीटी यानी नॉमेनक्लेचर पीरियोडिक टेबल में ऊपर है। सो ओएच ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड से पहले आता है, इसलिए ओएच ग्रुप को प्रीफर करेंगे नंबरिंग में और डबल बॉन्ड को इग्नोर कर देंगे। तो अब अगर हम नंबरिंग करते हैं तो हमारे पास नंबरिंग ये बनी, ये हो गया कार्बन नंबर वन, कार्बन नंबर टू, कार्बन नंबर थ्री एंड कार्बन नंबर फोर। तो अब अगर हम इसका नाम देखें तो पहले तो इसका जनरल नाम जहन में बिठाइए। इसमें ओएच ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, तो ऐसे कंपाउंड का नाम होगा अल्कीनॉल। क्या नाम होगा? अल्कीनॉल। अब अगर ये चार के लिहाज से देखें तो इसका नाम क्या बनेगा? ब्यूटीन। और फिर हम थोड़ा सा गैप देंगे और लिखेंगे ऑल, ब्यूटीनॉल। लेकिन अभी हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन भी इसमें मेंशन करनी है तो हम इस नाम को ब्रेक करेंगे, ब्यूट इन और ऑल के अंदर। अब यहां जो हमने स्पेस दिया है वहां पर हम इन फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन जो है वो मेंशन करेंगे। तो यहां पर देखिए ओएच ग्रुप वन नंबर पर है तो हम यहां ऑल और इन के बीच में वन लिख देंगे। ये नंबर है और ये लेटर है, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन आएगा। इसी तरह डबल बॉन्ड की पोजीशन थ्री नंबर पर रहेगी, जो पहली पोजीशन नंबर आ रहा है उसको देखेंगे, थ्री नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम इन से पहले थ्री लिख देंगे। तो इस कंपाउंड का नाम बनेगा ब्यूटीन थ्री इन वन ऑल। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इस कंपाउंड को देखिए, इस कंपाउंड में ओएच ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। एल्डिहाइड ग्रुप नॉमेनक्लेचर पीरियोडिक टेबल में ऊपर है बनिस्बत ओएच ग्रुप के, सो एल्डिहाइड ग्रुप को प्रीफर करेंगे ओएच ग्रुप पर। तो इस कंपाउंड में ओएच भी है और सीएच भी है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा? जनरल नाम हाइड्रोऑक्सी अल्कानॉल, हाइड्रोऑक्सी अल्कानॉल। अब हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। हमें मालूम है कि एल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लाजमी तौर पर बॉक्स में आता है। अब चूंकि हमने इसी को प्रीफर करना है, नंबरिंग हमेशा यहीं से स्टार्ट होगी यानी एल्डिहाइड ग्रुप से,
तो तीन नंबर पर OH पड़ा है, हाइड्रोऑक्सी अल्कनाल, यानी थ्री हाइड्रोऑक्सी, तीन कार्बन की चेन है, तो हम इसको कहेंगे प्रोपेन, और फिर R लगा के एल्डिहाइड बनाएंगे प्रोपेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप की पोजीशन वन नंबर पर अंडरस्टूड है और ये मेंशन नहीं की जाएगी। और अब पॉलीफंक्शनल कंपाउंड की तीसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। इस कंपाउंड को देखिए और से, तो आपको पता चलेगा इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है और इसमें कीटो ग्रुप भी है। इस कंपाउंड को हम कहेंगे ऑक्सो अल्केनोइक एसिड, जनरल लैंग्वेज में इसका जनरल नाम हो गया ऑक्सो अल्केनोइक एसिड। कीटो ग्रुप को हम एज ए प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे और ये पैरेंट नाम के पहले आएगा और इसको कहेंगे ऑक्सो। तो अब हमने चेन को सेलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन को, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई एल्डिहाइडिक, सॉरी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और कीटो ग्रुप दोनों चेन में होंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को प्रीफर करना है तो नंबर वन से इसको स्टार्ट करेंगे, यानी इसको लोएस्ट नंबर देना है, वन नंबर देना है। अब इसके लिहाज से इसका नाम होगा थ्री पर ऑक्सो है और अल्केनोइक एसिड चार की चेन बन रही है, ब्यूटेनोइक एसिड होगा तो नाम क्या बनेगा, थ्री ऑक्सो कीटो ग्रुप थ्री नंबर पर है उसको हम ऐसे प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे, थ्री ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। ये जो उइक एसिड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का सफिक्स है, इसके लिए नंबरिंग यूज नहीं करेंगे, ये अंडरस्टूड होगा कि ये एक नंबर पर है। तो ये था बच्चों नॉमेनक्लेचर पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का, इसकी मजीद एग्जांपल मैं अगली वीडियो में लेकर आपके पास आऊंगा। तो आप मेरे चैनल का विजिट करते रहिए और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और लाजमी तौर पर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।